भारत के राजस्थान राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बसा स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर चंद्रवंशी यादव भाटी राजपूत राजाओं का अंतिम राजधानी है। यहाँ से पहले काशी, मथुरा, प्रयागवर, गजनीर, भटनेर, दुगम, देरावर, लोधरवा, नौवा, जैसलमेर, उससे पहले इन्होंने 8 राजधानियाँ अफगानिस्तान, पंजाब और उत्तर भारत में मथुरा कई स्थानों पर रहते हुए भटनेर, हनुमानगढ़ होते हुए जैसलमेर में राजधानी बनाई है। और जैसलमेर का स्वर्ण दुर्ग जो आज ननानु पुरुषों के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर दो शब्दों के मेल से बना है। जैसल राजा का नाम है, मेरु पर्वत का नाम है, इस कारण से लोग उसको जैसलमेर कहते हैं। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की स्थापत्य कला, दुर्ग की बनावट, मंदिर, देवस्थान, सरोवर, मध्य महल अपने आप में पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक भारत का अनूठा क्षेत्र है, कलात्मक क्षेत्र है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोकगीत, यहाँ का इतिहास, यहाँ के साके, यहाँ के जौहर, यहाँ पर पुष्टि मार्गी पल्लवपुर संप्रदाय के लोगों का स्थल, यहाँ पर बने अनेक मंदिर, सरोवर, तालाब, कुएं, बावड़ी तत्कालीन समाज और संस्कृति का एक इतिहास के साक्षी के रूप में आज भी जीवित है। ओ दिले हरी ओ बाजारा में जाऊंगी, नंदल बाई थारे तुनड़ी लाऊंगी। ओ दिले हरी ओ बाजारा में जाऊंगी, नंदल बाई थारे तुनड़ी लाऊंगी। अरे मारे लहरी रे गोटो दिलाऊं जीने लहरी रा जीने लहरू रा 900 रुपया रोकड़ा सा किले पर। जैसलमेर मेरे विशेष रूप से 2.5 शाखे हुए। शाखे का मतलब होता है कि व्यक्ति अंतिम समय तक युद्ध करता रहता है, और जौहर का अर्थ होता है कि शाखा करने से पहले स्त्रियां अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती हैं। उस तरीके के 2.5 शाखे हुए हैं। 2 शाखे अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक के टाइम हुए, और आधा शाखा अमीर अली पठान के समय 1607 में हुआ। आधे शाखे का अर्थ होता है कि जब पुरुष शाखा करते हैं, स्त्रियों को कत्लेआम भी कर देते हैं, जौहर भी कर देते हैं, लेकिन उनकी हार नहीं होती है और वो विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए अमीर अली पठान के टाइम जैसलमेर की भाटियों की हार नहीं हुई थी, इसलिए उसको आधा शाखा के नाम से पुकारते हैं। आज उनके हास के चिन्ह बने हुए हैं चोटे के अंदर ऊपर महल में, वो उनके साक्षी हैं कि जैसलमेर में वीरांगनाओं ने, रानियों महारानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने आन मान और शान के लिए मिटने वाले वीरों ने जो अपना कार्य दिया, वो आज सूर्य प्रोल के बाहर जेल के पास जो चौथड़े स्मारक बने हुए हैं, वो उस जोहरों और साकों के साक्षी हैं।